हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एग बिरयानी। हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जो कि झटपट बन जाएगा। एग बिरयानी बहुत ही टेस्टी डिश होता है। आप लोग एक बार एग बिरयानी बनाने का ट्राई जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एग बिरयानी बनाना। एग बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक करी बनाएंगे। एक करी बनाने के लिए हम लोगों ने एक पैन लिया है। पैन में हम लोग तेल ले लेंगे। उस तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग खड़े जो गर्म मसाले होते हैं वो ऐड कर देंगे। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारे खड़े गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं। और जब गर्म मसाले हल्का सा चटक जाएगा और वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोगों ने प्याज काट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक बिरयानी में जो मेन जो होता है वो होता है एक करी का। जो करी हम लोग बनाएंगे वो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। इसमें और कुछ ग्रेवी होता तो है नहीं। तो आप ध्यान रखिए एक करी आपको बहुत ही टेस्टी हो। जब हमारा प्याज अच्छे तरह से फ्राई हो जाए, इस स्टेज पे पहुंच जाए, तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसे भी अच्छे तरह से हम लोग प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हो प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे टोमेटोज। यहाँ पे हम लोगों ने टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। टमाटर को गलाने के लिए हम लोग यहाँ पे, ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाए, तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे नमक। इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम लोग मिक्स करके। अब देख सकते हो टमाटर हमारा बहुत ही अच्छे तरह से गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे दही। जो हमारा करी का बेस होगा वो होगा टमाटर, दही और प्याज का ही जो बेस होगा वही बेस होगा। तो ये जितना टेस्टी हमारा बन के निकलेगा उतना ही अच्छा हमारा जो एग बिरयानी है उसका टेस्ट आएगा। तो ये याद रखिए कि इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है। हम लोग दही को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हो हाँ मसाला रेडी है। तेल मसालों ने छोड़ रखा है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अभी ऐड कर रहे हैं हम लोग जीरा पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट पाउडर। सॉफ्ट पाउडर एक करी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, आप इसे ज़रूर ऐड करें। और साथ ही ऐड करेंगे हम लोग कश्मीरी मिर्चा कलर के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला का भी यूज किया ताकि हल्का सा चटकापनापन हमारे करी में आ सके। और साथ ही ऐड किया यहाँ पे काला नमक और हमारा गोल मिर्च का पाउडर। अब इन सब मसालों को हम लोग अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे टोमेटो और ओनियन के ग्रेवी के साथ और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट के अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है। अभी देख सकते हैं हमारा मसाला लमसम अच्छे से तेल छोड़ चुका है और फ्राई हो चुका है अच्छे से। इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इसमें हल्का सा हम लोग पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। और एक बार जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो उसमें हम लोग अपने ग्रेवी के कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। और उसके बाद उसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने प्री बॉइल्ड अंडे रख रखे थे, उसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और इसे ढक करके हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इधर हम लोग बिरयानी के लिए चावल को रेडी कर लेते हैं। चावल रेडी करने के लिए हम लोगों ने पानी लिया। पानी में तेज पत्ता, जीरा, खड़े गरम मसाले, नमक, हरी मिर्चा, नमक इसमें ज़्यादा जाएगा ऐड कर देंगे। और जब पानी में बॉयल आ जाए तो हम लोग इसमें जो हम लोगों ने पहले से चावल भीगने के लिए रख रखा था उसे ऐड कर देंगे। याद रखिए यहाँ पे चावल कम से कम लोग 45 से लेके 1 घंटे तक प्री में पानी में भिगो के रखेंगे। इधर हमारा एक करी भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो एक करी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम लोग दम लगाने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और इधर हमारा चावल भी 80% रेडी हो चुका है। हम लोग चावल यहाँ पे 80% ही
डालेंगे, बाकी जो है वो दम में पकेगा। तो चलिए अब हम लोग दम लगाते हैं। दम लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने नीचे घी ऐड कर दिया है, और सबसे पहला जो सहता होगा तय होगा वो चावल का लगाएंगे। उस पर हम लोग लगाएंगे एक करी का पूरा जो भी है उसे ऐड कर देंगे, और उसके बाद ऊपर से हम लोग फिर से चावल की तह लगा देंगे अच्छे से। ऊपर से हम लोग यहाँ पे एसेंस ऐड किया हम लोगों ने रोज वाटर और केवड़ा का, और साथ ही ऐड किया यहाँ पे फ्लेवर के लिए कार्डमम इलायची का पाउडर और केसरयुक्त दूध, और ऊपर से हम लोग अच्छे से अच्छे मात्रा में शुद्ध देसी घी डाल देंगे, और इसे दम लगने के लिए हम लोग ढक के 10 मिनट के लिए, 10 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। याद रखिए कि थोड़ा भी प्रेशर ना निकले। 10 से 20 मिनट बाद आप देखोगे कि हमारा बिरयानी रेडी है। बिरयानी हमारा बहुत ही अच्छा खुशबू दे रहा है। बिरयानी काट के देख सकते हो, हमारा बिरयानी एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। बिरयानी को हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे। बिरयानी हमारा एकदम रेडी हो चुका है, और टेस्ट और सुगंध में बहुत ही अच्छा है। आप एक बार बिरयानी बनाने का ट्राई जरूर करें, एक बिरयानी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।